8 फरवरी को जो परीक्षा हुआ है उसका आप फटाफट आंसर की मिला लीजिए। हम लेकर आए हैं आंसर की आपको, है ना, इस वीडियो में पूरा का पूरा 100% सही और बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा। चलिए फटाफट अपना मिला लीजिए, आपका कितना सही हुआ है ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। तो एक का यहाँ दिया हुआ है, कहता क्या है, देखिए यहाँ पर कहता है राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बताइए तो राष्ट्रपति के कितने सदस्य को, तो 12 सदस्य को मनोनीत द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति के, ठीक है, सदस्य को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो है ना, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू, फटाफट लगाइए इसका आंसर, और आपको एक एक करके आंसर अपना सेट को के साथ मिला लेना है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिला लेना है। कहता है राज्यसभा का सभापित होता है, बताइए राज्यसभा का सभापति होता है, बताइए सभापति क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे एक एक करके क्वेश्चन लगाइए। कहता है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, बताइए, तो प्रधानमंत्री को है ना वो क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, और एक एक करके क्वेश्चन को देख लीजिए, फटाफट लगा लीजिए आंसर, इसका आंसर बताइए। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए आप लोग क्या आंसर लगाए हैं कमेंट बॉक्स में, एक एक करके क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छा, राज्यपाल हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ देखिए, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, बताइए तो भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है ये आपको बताना है। तो एक दलीय व्यवस्था, द्वि दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो छोका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। बहुत अच्छे एक एक करके क्वेश्चन लगाइए, एक एक करके देख लीजिए आपका कितना सही हुआ, यही आपका रिजल्ट बताएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद समूहक रूप में उत्तरदायी होता है, बताइए तो सम्मुख रूप से उत्तरदायी होता है, तो किसमें होता है, तो आप इसका 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रति में होता है। चलिए यहाँ देखिए भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है, बताइए भारत की समस्त कार्यकारी निहित शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 9 का इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन लगा लीजिए फटाफट। यहाँ देखिए किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, बताइए किस राष्ट्र में राष्ट्रीय दल की स्थापना जो है ना 1980 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10 का इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है, ठीक है, तो सही नहीं है कि बात हो रही है, सही नहीं है तो सही कि नहीं है तो बात हो रही है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वो कहा था सोवियत संघ और अमेरिका सीधे युद्ध थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा डी है सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं था, बताइए तो नाटो का सदस्य कौन नहीं था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी ये आपको बताना है, तो 13 का सही आंसर क्या होगा, वो 1961 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यूरोपीय समुदाय में अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, बताइए तो यूरोपीय समुदाय में अपना नाम कब रखा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 1990 में, 1991, 1992, 1993 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं, तो कहता है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, बताइए तो इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो 15 का सही आंसर होगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो वर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है म्यांमार, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, म्यांमार हो जाएगा। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं, तो कहता है अफ्रीका शब्द अपार्थिड का मतलब क्या होता है, बताइए अपार्थिड का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 17 का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा सही आंसर, अलग रहना यानी कि लिविंग अपार्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इज़राइल
एवं स्वतंत्र राज्य के स्वरूप में अस्तित्व में आया, बताइए किस रूप में अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 1948 में आया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 19 में कहता है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए तो सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए बहुत अच्छे, चलिए एक एक करके क्वेश्चन आपको मिला लेना है, बिल्कुल सही जवाब आपको क्या लगाना है ये आप देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, बताइए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना 1939 में हुआ था। ठीक है, तो 1939 से लेकर 6 साल तक चला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखो नाटो से कितने राज्य संबंधित थे, बताइए नाटो से कितने राज्य जुड़े हुए थे, समझिए कंपेयर की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू, 12 राष्ट्र थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन आटर्म संबंधित है, बताइए तो ऑपरेशन आटर्म किससे संबंधित है ये आपको बताना है, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खाड़ी युद्ध होगा। चलिए चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, अगले देखते हैं यहाँ कहता है किस घटना के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में आया, होती है तो किस घटना की बात होना सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाए सही आंसर। चलिए एक एक करके क्वेश्चन मिला लीजिए फटाफट, सोवियत संघ के विघटन के बाद, विघटन यानी कि विखंडन के मतलब टूटना है, ठीक है, तो टूटने के बाद जो है ना कौन सा देश अकेला महाशक्तिशाली बन गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ब्रिटेन होगा, चीन होगा, उसके बाद रूस दिया हुआ, अमेरिका दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अमेरिका हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिकी की बात हो रही है, तो अमेरिकी जो है ना बताइए अमेरिकी अधिकतम मेरू में कौन सा काल जाना जाता है, तो इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1960 के बाद का काल, शीत के युद्ध के काल, 1980 के बाद का काल, या शीत युद्ध के बाद का काल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, शीत युद्ध के बाद का काल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था, कब भंग कर दिया गया था ये आपको बताना है, तो 26 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1991 ईस्वी में भंग कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं, तो 27 कहता है यहाँ देखिए कथा 27 सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में कौन सा नियंत्रण करता था, बताइए सोवियत अर्थव्यवस्था में जो ना अर्थव्यवस्था को कौन सा नियंत्रण करता था, तो कौन नियंत्रण करता था यह आपको बताना है, तो 27 का राज्य नियंत्रण करता था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, एक एक करके वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। कहता है शॉक थेरेपी के द्वारा किस सतह की यानी किस तरह की व्यवस्था क्या प्रस्तावित किया गया था, बताइए तो प्रस्तावित की बात हो रही है, तो साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं, तो चार ऑप्शन में एक ही आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब पूंजीवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो गई, बताइए खो दी, तो इसका आंसर क्या होगा, 29 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह अत्यंत अधियांत्रिकवादी नौकरशाही तांत्रिक व्यवस्था में हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज कौन बना, बताइए सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज वो कौन बना था, सक्सेसर की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 30 का सही आंसर होगा, बिल्कुल जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं, कहता है मार्शल योजना क्या थी, बताइए मार्शल योजना की बात हो रही है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार में से एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। एक एक करके क्वेश्चन मिला लीजिए फटाफट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा यार। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है OEEC की स्थापना कब की गई थी, बताइए OEEC के जो स्थापना हुआ था समझिए वो कब हुआ था, बताइए चार ऑप्शन दिया हुआ, 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हुआ सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, बताइए तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 ईस्वी में किया था, आपको याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, और एक एक क्वेश्चन को देख लेना है, बिल्कुल मिला लेना है, अब पूरा का पूरा मिला लेने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। कहता है द छह शार्क जिसको बोलते हैं शार्क की स्थापना कब की गई थी, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, 34 का, तो 34 का सही आंसर होगा बिल्कुल वो 1985 में, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन था, बताइए तो सार्क का जो है ना 8वां सदस्य देश कौन था ये आपको बताना है, तो वो एक अफगानिस्तान था, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है ए आर एफ का पूरा नाम पूरा रूप क्या होता है, बताइए तो ARF का पूरा रूप बताइए,
तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ए आर एफ का पूरा नाम तो है एशियन रीजनल फोरम होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एशियन रीजनल फोरम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं। तो कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है बताइए। तो सार्क की बात हो रही है, तो सार्क एक नेपाल में स्थित है और नेपाल में काठमांडू में स्थित है, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल सही जवाब, सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है खुले द्वारा नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी बताइए। तो खुले की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल जवाब हुआ 1978 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ देखिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बताइए। तो 10 दिसंबर की बात हो रही है, तो 10 दिसंबर को वह एक मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है बताइए। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ना वो एक पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए याद देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बनाया था बताइए। भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र जो है ना संघर्ष का संघ का सदस्य कब बन गया था, तो मेंबर की बात हो रही है, तो यानी कि सदस्य का मतलब मेंबर ही होता है, ठीक है, तो 1945 में बना था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ देखिए हाँ 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था बताइए। तो 2003 की बात हो रही है और अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, वो इराक में आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, अगला क्वेश्चन आने वाला है हिंदी का और वहाँ से आपको है ना क्वेश्चन आउट होगा। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल से ही आउट होता है और टेलीग्राम पर ही डाला जाता है, सबसे पहले की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जुड़ जाइए टेलीग्राम में, वहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख न्यायालय कहाँ अवस्थित है बताइए। तो हेंग में अवस्थित है, किस में अवस्थित है, हेंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेग्जिट किस देश के देश से संबंधित है बताइए। ब्रेग्जिट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बिल्कुल इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए। दक्षिण एशिया की बारी होती है, देखिए ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश बिल्कुल छोटा छोटा देश है, तो सबसे बड़ा देश कौन होगा, तो भारत होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचशील निम्नलिखित में से किस देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। तो 46 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन का, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आसियान शैली जिसको आसियानोवे बोलते हैं ये क्या है बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, याद रखिएगा एक एक करके देख लीजिए फटाफट। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे बताइए। तो 48 का क्या होगा, 1948 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा बी। चलिए देखिए कलवान घाटी कहाँ अवस्थित है बताइए। कलवान घाटी की बात हो रही है, तो वो लद्दाख में स्थित है कि कहाँ स्थित है भाई, बिल्कुल सही जवाब लद्दाख में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं। तो कहता है 50 देखिए, कहता है नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब और स्वीकार किया गया था बताइए। तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मांग किया था वो बिल्कुल 1990 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था बताइए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य जो मुद्दा था वो जल विवाद का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत पाकिस्तान के बीच में 1948 में जो विवाद हुआ था यानी कि युद्ध हुआ था, उस विवाद का मुद्दा क्या था ये बताइए आपको, ठीक है। पाकिस्तान ड्यूरिंग 1948 वार बोल रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 52 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, कश्मीर हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कहता है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ था बताइए। तो 53 का सही आंसर क्या होगा बताइए, बिल्कुल सही होगा 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है बताइए। तो यूनिसेफ की बात हो रही है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो बिल्कुल यूनार्क होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए याद देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, विश्व बैंक की बात हो रही है, तो विश्व यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा 1944 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए याद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 56 ये अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना
प्रभुत्व कैसे रखता है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के चार आधारभूत आयामों की पहचान किसने की है तो बताइए। तो सतावर का सही आंसर होगा IMF ने किया था। ठीक है, IMF ने किया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा तो 58 का सही जवाब क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर आएगा संस्थापक सदस्य था ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, IMF के कितने सदस्य थे बताइए। तो IMF में जो है ना 190 सदस्य था, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 60वें, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है बताइए। यूरोपीय संघ की मुख्यालय की बात हो रही है तो वे एक कहाँ अवस्थित है तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा वो ब्रुसेल्स को होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी बताइए। तो 1687 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में कितने नगर निगम है बताइए। बिहार की बात हो रही है तो बिहार में कितने नगर निगम है तो सही आंसर क्या होगा 62 का। जी हाँ, 12 नगर निगम है। क्या होगा, 12 नगर निगम ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रह किया गया था बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय जनसंख्या का संस्थापक कौन था बताइए। तो भारतीय जनसंख्या का संस्थापक था श्याम प्रसाद मुखर्जी होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 66 में, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था बताइए। तो 1960 की बात हो रही है तो किन राज्यों का निर्माण, तो महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 1956 में जो राज्यों का पूर्ण गठन का आधार क्या था बताइए। 1956 में राज्यों के पूर्ण गठन का आधार क्या था, तो 67 की बात हो रही है तो 67 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, भाषा था। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने देसी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बताइए। रियासतों की बात हो रही है तो महात्मा गांधी, सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए, पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था बताइए। तो पंजाब का जब पूर्ण गठन था 1956 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन था बताइए। तो नागा नेशनल काउंसिलिंग की बात हो रही है, उसके नेता जो थे वो अंगामी जापू फीजो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीतिक केंद्र में ला दिया, वो कब ला दिया था यह आपको बताना है। तो 1992 में ला दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। योजना आयोग की बात हो रही है तो 1985 में किया था, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी बताइए। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में किया गया था बताइए। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की विचारधारा पर आधारित है, विचारधारा पर आधारित है, किस विचारधारा पर आधारित है। 74 का सही आंसर क्या होगा वो गांधी प्रदर्शन पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है 75 में, देखिए, भारत में सबसे पहले किस गठन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर सका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए क्षेत्र को बढ़ते हैं, तो कहता है संयुक्त मोर्चों की सरकार कब बनाई गई थी बताइए। तो संयुक्त मोर्चों की सरकार कब बनाई थी, तो 1996 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है बताइए। तो 77 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा 2 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 78 को बढ़ते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अंग नहीं है, मुख्य अंग नहीं है। तो 78 का सही आंसर क्या होगा वो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व
व्यवस्था संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है वित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 14 दिन तक रोक सकती थी, ऑप्शन नंबर सी। पंचशील समझौता कब हुआ था, बताइए पंचशील समझौता की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश G77 का सदस्य था, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे मेरे भैया, तो एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है, बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है और उसका सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा महान सभा होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 83 की बात करते हैं, तो 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो संपत्ति का आधार जो है ना, अधिकार जो होता है वो मौलिक अधिकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, बताइए। सिक्किम जो है ना भारत का हिस्सा 1975 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा बी होगा सही आंसर, 1993 ईस्वी में बना था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 86 के बढ़ते हैं। कहता है भारत में प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कौन थे, बताइए। परीक्षक की बात हो रही है, तो वी नहरी जो है ना राव था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 87 के बढ़ते हैं। तो कहता है 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत में के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो है ना भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, बताइए। तो 88 के सही आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब, वो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, पीवी नरसिम्हा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है दिया कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के आधार जीवन का अधिकार जो है ना से संबंधित है, बताइए। तो सही क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब 1900 यानी कि अनुच्छेद 21 हो जाएगा सही आंसर। चलिए 90 के बढ़ते हैं। तो कहता है भारत में संविधान को राज्य की नीति निर्देश तत्वों को किस देश में लिया जा गया, बताइए। तो इसका 90 का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब इसका 90 का होगा आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या था, बताइए। तो केंद्र और राज्य के संबंध के बीच में जो है ना क्या प्रमुख बाधा थी, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, बताइए। संविधान के जो है ना किस भाग में मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में हो गया ना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है स्टॉकहोम जो सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो एक पर्यावरण से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के बढ़ते हैं। तो 54 कहता है भारत में बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया गया था, बताइए। तो नवंबर 1971 में किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने नो फॉट यूज की नीति पूर्ण विचार की बात की है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, तो 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होते हैं पर भारत में परमाणु अपसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था, तो 94 का सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब 1995 ईस्वी में किया गया था। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य थे, बताइए इसका सही आंसर। तो यूरोपीय संघ के जो है कितने सदस्य थे, तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, 87 सदस्य थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है शेंजेन देशों में शामिल है, बताइए शेंजेन किस देश में शामिल है, तो 98 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास दो क्वेश्चन और बच गया है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, हम आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। तो दक्षेस की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा, वो ढाका में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था, बताइए। तो भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 100 क्वेश्चन कर लिए। आपका कितना पूरा का पूरा सही हुआ है हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पॉइंट ऑफ स्टडी STM, आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन